एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग देख रहे होंगे, सब कुछ आपको अलग अलग लगेगा बैकग्राउंड में, और समझ ही गए होंगे आप लोग मैं कहाँ आ रखी हूँ। आ तो बहुत देर की रखी हूँ, बहुत 3-4 घंटे हो गए आई थिंक, लेकिन बहुत लेट व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसी बस आई तो होता ही, मम्मी से बहुत दिनों बाद मैं मिल रही हूँ। फ़ोन पे तो हमारी हमेशा बात होती रहती है, लेकिन बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ ना, तो फिर मम्मी से वही बातें बूते, खाना खुना खाया, तो फिर कुछ भी मैंने शूट नहीं करा। अब बस ऐसे थोड़ा फ्री थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा वीडियो बना देती हूँ। और मैं मम्मी के घर आई थी, एक तो मम्मी से मिलना ही था, काफ़ी टाइम से मिली नहीं। दूसरा मेरे को ना मेरे जो साड़ी थी वो यहाँ छूट गई थी, नहीं इसमें, तो मेरी ना ये वाली साड़ी जो है ना, ये वाली यहीं पे छूट गई थी। पिछली बार आपने देखा होगा, इसमें शॉर्ट्स बनाए थे मैंने। और क्या है, कल हमारे पड़ोस में मतलब शादी है, तो मेरे को ये साड़ी पहननी थी, तो साड़ी का भी रीज़न था कि मुझे आना था, तो साड़ी लेने आई हूँ। और साड़ी के साथ तो मैं एक ब्लाउज और लेकर आई थी, ये वाला, इसको भी मुझे फिटिंग कराना है क्योंकि ये भी ढीला हो चुका है। क्योंकि पहले तो फिट आता था ना, अब बिल्कुल फिट नहीं आ रहा है, बहुत लूज़ आ रहा है। मम्मी ने अभी देखा तो ये तो कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो रहा है, तो फिर इसको भी मैं फिटिंग कर रही हूँ ताकि उसके अगले दिन भी शादी है तो मैं ये वाली साड़ी पहन लूँ। इसके साथ येलो कलर की साड़ी है, ब्लाउज इसका बहुत सुंदर है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ। टाइम तो मुझे पता नहीं कितने बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं इस टाइम पे, तो बस मैंने कहा चलो व्लॉग थोड़ा सा जितना बनेगा बना देती हूँ। और सामने आपको दिखाती हूँ, मम्मी ने ना गमले में कुछ कुछ करा हुआ है। आके बनाती व्लॉग तो अलग चीज़ होती, लेकिन मन नहीं करा, मेरा मन करा मम्मी और मैं बातें करें और व्लॉग ध्यान देती हूँ, लेकिन चलो अभी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखो मम्मी ने ना अपने हाथों से ये बनाए हैं, आए ना मैं एकदम से बड़े प्यारे लग रहे थे, ये मम्मी ने कराया, कलर कूलर जो भी कराया पर इसी में कराया मम्मी ने। और ये मम्मी के प्लांट्स जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मिल गया ना, कहाँ गया? तब ना, तब वो पहन के देख लीजिए। अच्छा ऐसे कर दूँ फिटिंग? हाँ। अच्छा ठीक है चलो। तो ये ब्लाउज मैं कर रही हूँ, मशीन मैं यहीं बाहर लेकर आ गई हूँ, धूप जाने वाली है। और मैं ना आपको एक चीज़, ये देखो वाला, ये मम्मी का बड़ा सुंदर हो रहा है प्लांट, मैं देखा इसको ना बड़ा प्यारा हो रहा है, ऐसे फूल बहुत सुंदर खेल रहे हैं। और एक मेरी मम्मी ने यहाँ पे कलाकारी करी है, दो स्माइली बनाए हैं, मेरी मम्मी इस तरह करती रहती है, तो ये अच्छे लग रहे हैं। मम्मी के प्लांट भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। चलिए अब फटाफट से पहले मैं इसकी फिटिंग कर देती हूँ। और मम्मी के लिए ना मैं ये भी लेकर आई थी अभी, ये जो पैक मैं अपने बालों पे लगाती हूँ ना हेयर पैक, वो मम्मी के लिए भी लेकर आई, क्योंकि मम्मी के बाल ही बहुत झड़ रहे हैं, तो इसमें मिक्स करके मैंने मम्मी के लिए रख दिया है। ये मैं घर ले जाऊँगी क्योंकि मैं भी इसे लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं अपने ब्लाउज की जो है ना फिटिंग कर रही हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मतलब मशीन चलानी मुझे बहुत अच्छे से आती है और कुछ कुछ चीज़ें मैं फिटिंग कर भी लेती हूँ, लेकिन ब्लाउज़ ऐसी चीज़ है ना जो फिटिंग नहीं होती अपने आप से अच्छी वाली। तो मम्मी ने आज क्या करा ना, मम्मी ने खुद नहीं करा, मम्मी ने कहा कि मैं बता देती हूँ तू अपने आप कर ले, और अच्छा ही हुआ मम्मी ने मुझे बताया, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा हुआ ना कि मुझे पता चल गया कि ब्लाउज़ की फ़िटिंग कैसे करनी है। तो जब मैं अपने घर में अपने दूसरे ब्लाउज़ वगैरह करूँगी ना फिट, तो मैं खुद से कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी वही बोल रही थी, इतना उधाड़ना है, मतलब सिलाई उधाड़नी है इतनी, और फिर यहाँ से सिलना है। और मेरी मम्मी ने बिना इंची टेप के मुझे बताया, और सच्ची में वो बिल्कुल एक बारी में ही फिट हो गया ब्लाउज़। और इतना ज़्यादा वो लगता है टेलर के पास ले जाना ना, टेलर इतनी सिलाई बोल देता है ठीक कराने की, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब वो लोग सोचते हैं कि दोबारा आ रहे हैं, तो पूरे जितना ब्लाउज़ जितना होता है उससे आधी सिलाई मांगना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे बता दिया, तो अब मैं ऐसी करूँगी। और मेरी मम्मी ने ना क्या करा था ना, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी मम्मी पहले मुझे बोलती थी ना कि सिलाई सीख ले सिलाई सीख ले, मेरी मम्मी ने ना मुझे भेजा भी था स्पेशली सिलाई सीखने के लिए, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं था सिलाई में। मैं पूरा 1-2 महीने सीखी हूँ, लेकिन मेरे सर मेरे मतलब बोलते हैं दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो मैंने फाइनली फिर वो सिलाई जो है छोड़ दी थी। और लेकिन यह है कि मेरी मम्मी हमसे कुछ कुछ सिलवाती रहती थी, जैसे कि सलवार पेटीकोट, तो इसलिए मुझे सिलाई काफ़ी अच्छे से करनी आती है। लेकिन अभी थोड़ा सा पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने अच्छे से सीखी होती ना, तो आज अपने ब्लाउज सूट वगैरह मैं खुद से सिल रही होती। क्योंकि आप सबको पता है ब्लाउज, हम साड़ी कितनी भी महंगी ले लें ना या कितनी भी सस्ती ले लें, मतलब जितनी सस्ती होगी ना उससे महंगा हमें वो पड़ जा रहा है, सिलाई पड़ जा रही है। तो अब मुझे होता है कि काश मैं सीख लेती सिलाई, तो आज अपने कपड़े मैं खुद से सिलती। तो चलिए कोई बात नहीं, तो बस मैंने ब्लाउज भी चेक कर लिया, बिल्कुल फिटिंग बहुत अच्छी एक ही बार में। और इधर मेरी मम्मी, लो मम्मी आप भी मिलो। हेलो। हाँ तो मम्मी भी, मम्मी ने मतलब मुझे बताया और एक ही बार में मैंने फिटिंग बहुत अच्छे से कर दी है, और इजी था मतलब। लेकिन एक्चुअली क्या रहा है, मशीन वहाँ पे काम नहीं कर रही है घर में ना, और मेरे को ब्लाउज की फिटिंग पता भी नहीं, लेकिन अभी मैंने सीख लिया मम्मी से। तो जब अभी मम्मी बीच में आएगी, मैंने मम्मी को बोला बीच में आना ना, हाँ क्योंकि मैं ना किसी को दिखा नहीं रही हूँ, वहाँ पता नहीं ऐसे आते हैं लूट जाते हैं, और ठीक भी नहीं होती है मशीन,
तो अभी बहुत अच्छे से फिटिंग हो गई है, बस इसमें एक सिलाई और मारनी है, उसके बाद ये काम हो जाएगा। और अभी जो टाइम है ना वो चाय का हो गया, मतलब 5 बज रहे हैं इस टाइम पर। और ना मैं स्वेटर तो पहन कर आई थी, साथ में मैं गाड़ी में ना अपनी कोट भी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे पता था शाम के टाइम पे ये एक स्वेटर से ना काम नहीं चलेगा, तो मैं कोट लेकर आई थी। और अब ना हल्का हल्का ठंडा और तेज़ होने लग गया था शाम को, तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने कोट ही पहन लिया था। मम्मी ने चाय बना ली है और मम्मी और मैं चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और सर्दियों का दिन ऐसा होता है ना कि हम लोग कितना भी जल्दी आने की कोशिश करें जल्दी नहीं आ पाते हैं, और अगर आ भी जाएँ तो दिन इतने छोटे होते हैं कि 5 बजे अंधेरा होता शुरू होने लग जाता है, तो ये लगता है कि टाइम से जाना है। तो इसलिए, और सर्दियों में होता है गर्मियों में होता है कि अंधेरा जो होता है ना वो 7 बजे तक रहता है, तो अपना बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। टेंशन मुझे मतलब ऐसे ही रहती है कि घर जाना है, ये रहता है कि अंधेरा हो जाता है ना वो चीज़ हो जाती है। तो बस चाय पी मैंने, उसके बाद मैं चले गई थी। और यहाँ मम्मी और मेरी बातें नहीं ख़त्म हो रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला है मम्मी एक दिन बीच में आप भी आना, मम्मी को भी इतना टाइम नहीं लग पाता है, तो देखेंगे जिस दिन मम्मी आएगी तो मैं आपको भी मिल पाऊंगी फिर। और अभी जो ब्लॉग है ना वो नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब आज संडे है और संडे का भी मॉर्निंग ही है। मैं यहाँ पर अपने हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, करना तो मुझे रात को था लेकिन मैंने कई बार भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑयलिंग करने की बहुत ज़्यादा ऐसे आदत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन अब तो काफ़ी मैं करने लगी हूँ, पहले से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाल अब बीच में बहुत ज़्यादा झड़े थे ना मेरे, तब से थोड़ा सा केयर मैं थोड़ा और करने लगी हूँ बालों की। तो मेरे को रात को ऑयलिंग करनी थी लेकिन भूल गई थी, तो अभी मैंने कहा चलो अगर 2 या 3 मतलब 2 घंटे भी काफ़ी हैं अगर हेयर ऑयलिंग करी हुई है तो इसलिए अभी मुझे याद आया, तो मैंने हेयर ऑयलिंग अच्छे से मसाज कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं दूसरे काम जो है वो स्टार्ट करूंगी, वही नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। झाड़ू वगैरह मम्मी कर रही हैं आज, तो फिर मम्मी ने कहा मैं पूरे ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो कई बार क्या होता है ना मम्मी जैसे बाहर लगा देती हैं या फिर ड्राइंग रूम में लगा देती हैं, अंदर मैं लगा देती हूँ, लेकिन आज मम्मी ने कहा कि मैं ही लगा देती हूँ, तू नाश्ता बना ले। तो फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी, मम्मी अपने काम कर रही हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और लोही की कढ़ाई जो थी ना उसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, गर्म करने रख दिया है, क्योंकि अभी नाश्ते में बन रही है मेथी और आलू की सब्ज़ी। तो आज मतलब ऐसे क्या होता है ना जैसे रात की सब्जी होती है तो मैं सुबह फिर कुछ भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम जाता है और सर्दियों के दिन वैसे ही इतने वो जाते हैं कि सब चीज़ लेट लेट ही होती रहती है। लेकिन अभी सब्जी कुछ थी नहीं और मेथी मम्मी ने रात को ही छांट के वॉश करी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये मैं ये बना देती हूँ, 2 आलू डाल के, अच्छी लगती है ऐसी मतलब जैसे सूखी सूखी सब्जी ना इसकी। तो बस यहाँ पर मैंने जो मेथी है उसको अच्छे से बारीक कट कर लिया है, आलू इसके साथ और एक हरी मिर्च साथ में जो लहसुन है ना वो मैं इसके साथ ऐड करूंगी, और बहुत अच्छी सिंपल सी अच्छी सी सब्जी बनती है इसकी। और इसकी मेथी जो है ना वो मोट जैसे बड़े बड़े पत्ते वाली मेथी है, तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। साथ में मेथी का जो असल स्वाद होता है ना वो इसी वाली मेथी से पता चलता है, जो छोटी छोटी मेथी होती है ना वो थोड़ी सी कड़वी कड़वी लगती है, लेकिन जो चौड़े पत्ते वाली होती है ना ये खाने में बहुत अच्छी होती है। और सब्जी चढ़ाने से पहले ना मुझे ध्यान आया कि मैं भजन लगा देती हूँ, और क्या होता है ना या मॉर्निंग के टाइम पे या मेरे हस्बैंड लगा देते हैं या मैं लगा देती हूँ, आज उन्होंने भजन नहीं लगाया तो मैं लगा रही हूँ। मतलब भजन लगा के ना एक अलग ही पॉजिटिविटी सी अलग सी वाइब्स आती हैं, अगर आपको ऐसा होता है तो आप बताना, अगर आप लोग भजन मॉर्निंग में लगाते हो तो कभी मम्मी लगाती हैं कभी हस्बैंड लगाते हैं या मैं लगा देती हूँ, और आदत ऐसी पड़ गई है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि कुछ छूट सा रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ भूल रहे हैं या कुछ ना, कि रोज सुनने की आदत पड़ गई है भजन। और मॉर्निंग में आप लोग भी ज़रूर से भजन लगाया करें या सुना करें, कैसे भी मोबाइल में सुने या स्पीकर में सुने, बहुत अच्छा, बहुत ही शांति सी, और पूरे दिन ना वही भजन मुँह में रहता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, और बहुत अच्छा हम उसे गुनगुनाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी आती है, बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं।
तो वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और सिया इसलिए यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसको मोबाइल चाहिए था। कभी कभी इन्हें पता नहीं क्या होता है, इन्हें ना कभी कभी तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि मोबाइल चाहिए, लेकिन कभी कभी इन्हें बीच में क्या होता है कि मोबाइल की ऐसे याद आती है कि दिन भर मोबाइल ही नहीं छूटता है। और सैटरडे संडे ऐसा हो जाता है, सैटरडे तो फिर भी ये स्कूल जाते हैं, लेकिन संडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इनको ऐसा होता है कि बस कितना हम मोबाइल देख लें। तो वो मोबाइल के चक्कर में बैठी थी, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी मोबाइल दिया ही नहीं है। मैंने भजन लगा दिए थे, मैंने कहा तू भी भजन सुन और हमें भी भजन सुनने थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी वाला संडे। टाइम अभी 9 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज ब्रेकफास्ट मतलब सब्जी थी ना, तो मैंने वॉश करके ये मेथी और आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं। तो ऑयल जो ना गर्म हो गया, मैं जब तक काट रही ना, और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो अच्छे से गर्म हो गया। अभी इसमें कुछ ना डालूंगी तो जल जाएगा सब कुछ। तो वही जीरा जो भी होता है, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, और इसका तड़का लगा दूंगी मैं। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट होगा, सिंपल था। तो कभी भी रात की सब्जी बच जाती है तो हम वो लोग खा लेते हैं। अभी कुछ सब्जी थी नहीं, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। दिन में देखेंगे क्या बनाएंगे। तो बस और थोड़ा सा हमने भजन भजन लगा लेते हैं जो डेली हमारे घर में लगते हैं। चलिए फटाफट बनाते हैं, टाइम हो जाएगा फिर। तो बस सब्जी मैंने चढ़ा दी है और साथ में जो आटा था वो भी मैंने गूंद के रख दिया है। और अभी ये ना रात के बर्तन है, आज रात के बर्तन, आज संडे है ना, तो ध्यान नहीं रहा बर्तन लगाने का। और मेरे को था एक बार मैं सब्जी चढ़ा दूँ उसके बाद ही बर्तन वगैरह लगाऊंगी, तो अभी दूसरे बर्तन होंगे ना धोने के लिए, इसलिए इनको मैं लगाना पड़ रहा है। तो मैंने सब्जी में बस लगेंगे 10-15 मिनट तो लगेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सॉफ्ट है, आराम से पक जाएगी। और अगर आप लहसुन डालते हो ना मेथी में, तो नहीं डालते हो सॉरी, तो आप लोग ज़रूर डालना, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये सब्जी ना इतना खाते नहीं है सिया, तो फिर इसलिए मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। आशी खाती है, उसको हरी सब्जी काफ़ी पसंद है, तो हरी मिर्च उसको चटपटी सी अच्छी लगती है सब्जी, तो इसलिए मैंने एक हरी मिर्च भी डाल दी थी। तो बस यहाँ पे जो आलू मेथी की सब्जी है आप देख रहे हो बनके रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी हो रही थी ये। और साथ में पराठे बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे भी पराठे ही खाते हैं, रोटी उनको मैं देती ही नहीं हूँ। रोटी उनका मन है तो खा लेंगे, नहीं तो फिर मॉर्निंग में ये रहता है कि पराठे मैं देती हूँ ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा सा लगे खाने में। और वो जो मैंने आपको सब्जी थोड़ी सी दिखाई ना, वो रात की है, पालक और आलू बनाए थे रात को, वो अलग गर्म कर रही हूँ क्योंकि वो आशी को खाने हैं वो, इस वजह से। तो बस यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट लग चुका है और अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ। आज तो बहुत लेट हो गया था मुझे नहाने में, मुझे संडे के दिन वैसे हो ही जाता है लेट, तो मम्मी वगैरह ही पूजा कर मतलब मम्मी ही पूजा करती हैं, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ, थोड़ा सा वही अपने फेस पे जो भी मैं लगाती हूँ वो लगा रही हूँ, और अब जाऊँगी मैं धूप में, थोड़ा सा धूप में बैठने के लिए। वेलकम बैक। तो अभी जो टाइम है ना बहुत देर हो गई, बहुत देर, मतलब मैं मॉर्निंग में शायद आपको 9-9:30 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था, कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि ना आज संडे है, बहुत बिजी डे हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ, 12:30 बज गए, आज बहुत लेट हो गया है। ब्रेकफास्ट मैंने पहले कर लिया था, और संडे के दिन ही मेरे को नहाने में ज़्यादा लेट होता है, अदरवाइज और टाइम तो नहा जाते हैं, लेकिन संडे का दिन ना थोड़ा सा बिजी रहता है तो इस वजह से। और यहाँ पर मम्मी ने दाल चढ़ा दी थी, मम्मी गई हैं यहाँ पर आश्रम है, वहाँ पर आज सत्संग है, तो मम्मी वहाँ चली गई हैं और दाल मम्मी ने चढ़ा दी थी। तब तक मैं नहा कर भी आ गई, कपड़े मैंने छत में सुखाने डाल दिए हैं। आशी ट्यूशन चले गई है क्योंकि आज उसका संडे को ट्यूशन है 12 से 1 बजे का। सिया अंदर ही बैठी है, टीवी देख रही है, मोबाइल भी देख रही है, टीवी भी साथ साथ चल रहा है इनका। और मेरे ब्लॉग हैं दो दो जो मुझे एडिट करने हैं, लेकिन टाइम नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मैं सोच रही हूँ पहले ना मैं ज़रा दाल चढ़ा देती हूँ, मतलब दाल को तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद मैं अपने दोनों वीडियो जो है एडिट करूंगी, साथ में अपलोड भी कर दूंगी, देखते हैं क्या कैसा कैसा होता है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया इस वजह से ना आज, वही है। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, बहुत
दिनों बाद, मतलब पिछले साल शायद मैंने ये पहनी ही नहीं, क्योंकि मेरे पे ये आ ही नहीं रही थी और बहुत ही ज़्यादा टाइट और फिर आ ही नहीं रही थी, तो आज मैंने फिर ये पहनी तो बिल्कुल अच्छी आ रही है फिटिंग इसकी, तो मैं कहा चलो इसे पहन लेते हैं। अच्छी है, गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है लेकिन गर्म है, अच्छी है ये, तो इस तरह से है ये। तो चलिए फटाफट मैं दाल वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना वीडियो जो है एडिट वगैरह करती हूँ।